नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम लेना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। मैं सीधे सीधे बात करूंगा श्रीमान शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि एक महान फिल्म अभिनेता ही नहीं रहे हैं, एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी भी हैं। सर नमस्कार और कार्यक्रम में स्वागत है नवभारत टाइम्स के आपके। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार आपको, आपके पास आपके लोगों को। आपके पास चूंकि आपने बताया समय कम है तो मैं सीधा उस पर आता हूं। अभी लल्लन सिंह जी ने जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं एक बयान दिया प्रधानमंत्री के बारे में, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? पहले क्या बयान दिया बताइए, कि लल्लन सिंह तो बड़े मैच्योर्ड आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री डुप्लीकेट प्रधानमंत्री है, कुछ बातें बोला। ये उनका बयान है, उन्होंने कहा है, उनका अपना अनुभव होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत कहा है, लेकिन कितना सही कहा है मैं नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी जो है सर, आप राजनीतिक तौर पर क्या तैयारियां कर रहे हैं अपनी? अभी तो तैयारियों के नाम पे बस अभी इंतजार कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट शुरू हो और चले। अभी तक पार्लियामेंट शुरू होने के आसार कम ही दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बीच में शायद हिमाचल और गुजरात का इलेक्शन आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की तमाम टीम और उस पार्टी के तमाम नेतागण जो है, क्योंकि मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, जिस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में मैं 27 साल रह चुका हूँ और 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका हूँ और 5 बार उनको जानता हूँ कि अभी कोई भी आदमी उनका दिल्ली में नहीं होगा, सबों को गुजरात गली गली में और गुजरात के घर घर में भेज देंगे और हिमाचल भेज देंगे। अगर आपको पार्लियामेंट नहीं, अगर आपको इतना अंदाजा है तो आपको क्या लगता है कि दोनों जगह जीतेंगे कि नहीं? अब कहना आज के दिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब वो बात पुरानी रही नहीं। अभी ईवीएम का भी खेल जो है, लोग कहते हैं कि बहुत लोग सचेत हो गए हैं और उसके प्रति लोगों की बहुत जागृति बढ़ गई है और अभी लोग इतने चौकन्ना है, इतने अच्छे अच्छे लोग देख रहे हैं और शायद जो लोग करने वाले हैं या करते थे या करेंगे, उनको भी इस बात का एहसास है कि हर बार काठ की हांडी में आप बार बार वही खाना नहीं पका सकते हैं, जिस तरह से ईवीएम मशीन का खेल हुआ बंगाल में, चाहे बहुत हद तक और बिहार में, बहुत जगह हुआ, पूरे देश में हुआ, जगह जगह, खासकर वहां जहां जहां इनका राजपाट रहा, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तो मेरा ख्याल है वो तो नहीं। लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि इस बार जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट, संपूर्ण सम्मान के साथ, हमारे मित्र हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम बहुत ही वीक विकेट, कमजोर विकेट खेल रही है। मैं सिन्हा सर, अगले बार मुझे लगता है कांग्रेस में ये कांग्रेस का दुखर यात्रा बहुत जबरदस्त जा ही रही है, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है और ऐसे भी वो लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन गुजरात में मुझे लग रहा है चाहे लाख आप कोशिश करें दबाने की, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां जैसा कि दिख रहा है कि केजरीवाल जो है, केजरीवाल की टीम पार्टी नंबर वन, अगर किंग, हाँ किंग ना भी बने तो किंग मेकर जरूर बनेगी। सिन्हा साहब, आप इतने जागरूक हैं, मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो जब भी आपका समय हो जाए तो आप मुझे अपना फेमस डायलॉग कहते हुए समाप्त कर दे, वो जो आप बोलते हैं खामोश, मैं अपने आप चुप कर जाऊंगा। अभी नहीं सर, अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, आपने कहा केजरीवाल साहब गुजरात में वो ले जाएंगे, तो हिमाचल में आपको कांग्रेस दिख रही आती हुई? हिमाचल में तो ऐसे भी पेंडुलम पॉलिसी चली है 1985 के बाद से, मेरा ख्याल है कभी भी कोई सरकार जो है दूसरी बार लगातार नहीं आई है, तो वहां पे अब बारी है हमारे मित्रों की और ऐसा दिखता है कि हमारे मित्र कांग्रेस के जो हैं वो काफी इस बार ना सिर्फ जागरूक हैं, तैयारी भी है, भारत यात्रा भी है और बहुत कुछ क्लैरिटी भी हो गई है उनके साथ, लोगों की सहानुभूति है कि लेकिन बड़े बड़े अच्छे आधे दर्जन से ज्यादा अच्छे अच्छे लोग जो इस वक्त छोड़ के उनको साथ छोड़ के गए हैं, तो उसके प्रति बहुत सहानुभूति है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का चांस बहुत ही अच्छा है। लेकिन सर दो चीजें हैं, एक तो आपने भारत जोड़ो यात्रा कही, तो आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में का उत्थान कुछ हो पाएगा आने वाले सालों में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो रहा है इतने सालों के बाद,
और मेरा ख्याल है चाहे लोग तथा कथित गोदी मीडिया जो भी बोले, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, सुचारू ढंग से हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन के साथ हो रहा है। 24 में इनकी कुछ और बढ़ेंगी सीटें अवश्य, ऐसे भी तो लार्जेस्ट पार्टी इनका जरूर, मुझे लगता है कि इनकी सीटें बढ़ेंगी और इनकी सीटें बढ़ेंगी। और मैं इसके साथ साथ जोड़ दूं कि बाकी भी बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे KCR हैं, जैसे हमारी अपनी ममता बनर्जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नीतीश बाबू की जो तैयारी चल रही है, इन लोग करिश्मा करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और बहुत सीटें मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप कह रहे हैं करिश्मा करेंगे, आपने मोदी गोदी की बात की, तो सर मोदी जी का जलवा तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, कैसे कर पाएंगे ये लोग? देखिए, वो गोदी मीडिया की नजरों में या मोदी मीडिया की नजरों में? सर मेरी नजर में गोदी मीडिया, सर माफ, गोदी मीडिया जो बात फैला रही है, सर मैंने गोदी मीडिया जो बात फैला रही है उनके एड लेकर, उनके सरकारी एड्स वगैरह के आधार पे, मैं मजबूरी समझता हूँ, तो ऐसा ना कहें कि पूरे विश्व में ऐसा जबरदस्त जोर चल रहा है। सर कृपया नवभारत टाइम्स को थोड़ा गोदी से बाहर निकाल ले। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं देखिए, अब आप ऐसी बात करेंगे तो कमाल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आज का जमाना जो है ज्यादातर गोदी मीडिया और मोदी मीडिया का हो चुका है जी, वो आपको ये पता, हम सबों को पता है, मैं इसमें आपको शामिल बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, तो आपने अभी कहा कि आपकी पार्टी नीतीश जी और सब, लेकिन मैंने पीछे नीतीश बाबू का इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा था, लेकिन दो दिन बाद वो एक्टिव हुए उसमें, उस समय तो उन्होंने कहा नहीं प्रधानमंत्री बनने की उनकी चाहत नहीं है। अगर वो बनते हैं तो आपकी पार्टी ममता जी उनको सपोर्ट करेंगी क्या सर प्रधानमंत्री पद? नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ना बनना चाहते हैं वो। उनकी विपक्षी एकता पे नजर है और जिसका बहुत लाभ हो रहा है और देश को भी महसूस हो रहा है कि जितने ज्यादा पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगी वो और भारतीय जनता पार्टी को या रूलिंग पार्टी को बहुत जबरदस्त प्रभाव होगा उनका। सिन्हा साहब, उन्होंने कह दिया कि उनकी हसरत है बनने की। मैंने नहीं सुना है। अच्छा, काबिलियत जरूर है उनके अंदर सर, काबिलियत जरूर है उनके अंदर। मान लीजिए अगर एकता हो जाती है तो भी तो किसी को पीएम कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, आपकी नजर में बाकी पार्टियों में कौन ऐसा कैंडिडेट, कौन सी ऐसी पार्टी जिसको बनाया जाए? देखिए, ये बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आफ्टर नेहरू हूँ, आफ्टर इंदिरा हूँ, आफ्टर ये लाल बहादुर शास्त्री हूँ, ये हू के चक्कर में जब हुआ है, देश की जनता ने और बाकी पार्टियों ने मिलकर अच्छा निर्णय करके एक अच्छा लीडरशिप दे दिया है, तो उसकी बात ना करें। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो यही कहूंगा कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सिन्हा साहब, मैं दो एक लास्ट बड़े मजेदार क्वेश्चन करना चाहता हूं और सच बताइएगा इस बारे में। देखिए, जल्दी मैं एयरपोर्ट आ गया। हाँ, जैसे जैसे जाते जाते गुजराल जी, नरसिम्हा राव और वीपी सिंह और दूसरे लोग प्रधानमंत्री बन गए, कभी ऐसा हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को आगे ले आया जाए? मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ इस वक्त, आप नवभारत टाइम्स हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, आप लोग कुछ सोच समझ के रिसर्च करके ही बोलते हैं, लेकिन मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की हसरत थी कि बिहार का सीएम शत्रुघ्न सिन्हा को देखते वो अभी तक नहीं पूरी हुई, तो अब पीएम का मामला चला है, कोई कैंडिडेट स्वीकार्य नहीं है, तो आपका नाम तो किसी को अस्वीकार्य हो भी नहीं सकता। मैं तो कह सकता हूँ क्या ये आपकी बड़प्पन है या फिर आपका सीधापन है जो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। मैं कभी मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है जी। मैंने अपने आप को नियति के नियत पे छोड़ दिया है, मैंने अपने आप को निस्वार्थ भावना भाव के साथ राजनीति में आया, और राजनीति में जब आया तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया और मैं समाज के ऊपर सारा छोड़। बस लास्ट के छोटे दो क्वेश्चन, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? पहला चाहिए बताऊंगा, अभी तो वक्त है, अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से दिल्ली। अच्छा। जा रहा हूँ दिल्ली से फिर बंगाल जाऊंगा, वहाँ पे TMC में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, वहाँ पे मैसिव विक्ट्री हुई थी, वहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हुई थी आप लोग के आशीर्वाद, आपको मैं वहाँ की जनता का बहुत आभारी हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी बेस कम्युनिटी से, इन दिनों बॉलीवुड पर ये आरोप लगाया जा रहा है उसके बाद टॉपिक्स नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं बन रही, साउथ की फिल्में डबों के हिंदी में, साउथ की फिल्में अभी अभी वेट करना पड़ेगा, हमारे फिल्मों की ताकत थोड़ी कम हो गई है, ये जरूर दुख का विषय है, आचरण का विषय है, और हमारे स्टार्स भी जो भी कोई बड़े स्टार जो हैं
शायद ही कोई रह गए हों जिनका अपना बॉक्स ऑफिस में ड्रॉ हो। आज इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और इस बीच में हमारी अपनी ये साउथ इंडियन फिल्म्स कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से बात करूं तो बहुत अच्छा कर रही हैं। हिंदी में डब देश में हिंदी में डब होके भी ऐसा है, लेकिन अच्छा कर लोगों ने एक्सेप्ट किया है तो बड़ी खुशी की बात है। और इसके बाद जो तो मैं वही कह सकता हूँ जो आपने कहा था कि मैं कहूँ, खामोश सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जल्दी ही आपके पास वीडियो इंटरव्यू के लौटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे पूर्व अभिनेता और वर्तमान नेता, खुले दिल के मालिक और वेरी इम्प्रेसिव शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष लल्लन सिंह के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान के बारे में घुमा फिरा कर जो कहना था वो भी कह दिया और प्रधानमंत्री और उनकी टीम को आगामी चुनावों के लिए बधाई भी दे दी। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने न बनने पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी और अपने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पर नवभारत टाइम्स के मुंह में घी शक्कर की बात भी कह दी। अभिनेता से नेता का सफ़र है, इच्छाएं आकांक्षाएं तो होंगी ही। बहरहाल किसी और मेहमान के साथ अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।